बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 5A में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय 25 गिव्स 83। अब आप लोग सोचेंगे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को हमने एक्स रखना है, कौन सी चीज़ को हमने कॉन्स्टेंट रखना है। नॉट प्रॉब्लम, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पार्ट्स में तब्दील कर लेना अपने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले को, तो ये आपको वैसे ही एक इक्वेशन ईजिली दे देता है। अब वो कहता है व्हाट नंबर, जब व्हाट नंबर कहे तो सिंपल चीज़ का क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स। इंक्रीज्ड बाय बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, 25 गिव्स दे रहा है, इक्वल आ गया 83, क्या 83। अब कहता है कि कौन सा नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है, कितना 25, तो हमें क्या देता है 83, वो क्या है x प्लस 25 इज इक्वल टू 83। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमें तो x निकालना है, तो ये 25 यहाँ पे फजूल है, क्या है, इसे यहाँ से धक्के मार के निकालें, तो ये यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 25। अब 83 में से माइनस 25 करें तो क्या आता है, 58। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 58। यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इनसे बाकी क्वेश्चन करने के आप काबिल हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई समझना है तो मुझे आपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस को आप बरवक्त हासिल कर सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखा करें, आप इससे जो मिलने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 3 में वो मैं क्या कहना चाहता है, दी वीविंग डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री, दी वीविंग डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री ऑक्यूपाइज 3.5 टाइम्स एज मच फ्लोर स्पेस एज द शिपिंग डिपार्टमेंट। क्या कहना चाहता है कि द वीविंग डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री ऑक्यूपाइज 3.5 टाइम्स एज मच फ्लोर स्पेस एज द शिपिंग डिपार्टमेंट। वो कहता है जो फ्लोर की स्पेस है वीविंग डिपार्टमेंट के पास, वो शिपिंग डिपार्टमेंट से 3.5 टाइम्स ज़्यादा है, क्या है, 3.5 टाइम्स ज़्यादा है। इफ़ द वीविंग डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइज 4,200 स्क्वेयर फीट, कहता है कि अगर वीविंग डिपार्टमेंट इतनी जगह रखता है तो व्हाट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शिपिंग डिपार्टमेंट। अब ज़रा दोबारा स्टेटमेंट पर गौर करें, कि अगर आपने स्टेटमेंट समझ ली तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ आएगा। गौर करें, दिविविंग डिपार्टमेंट, क्या कहते हैं, दिविविंग डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री ऑक्यूपाइज 3.5 टाइम्स एज मच फ्लोर स्पेस एज द शिपिंग डिपार्टमेंट। जो विविंग डिपार्टमेंट है वो शिपिंग डिपार्टमेंट से 3.5 टाइम्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्या करता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो कह रहा है कि अगर लेट सपोज हमारे पास विविंग डिपार्टमेंट की जो स्पेस है वो कितने, 4,200 स्क्वेयर फीट्स, तो कह रहा है कि बताएं कि शिपिंग डिपार्टमेंट के पास कितनी स्पेस होगी। आए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि ये हमें कैसे सॉल्व करना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि जिसमें हमारे हमें दो तरह की सिचुएशंस आ जाएँ, तो हम इसको दो रिलेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहले अगर हम रिलेशन को देखें तो वो हमें क्या कहना चाहिए, वीपिंग डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइज टाइम्स शिपिंग डिपार्टमेंट। मैंने ना इधर शॉर्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है कि वीपिंग डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइज करता है कितने टाइम्स शिपिंग डिपार्टमेंट के, तो वीपिंग डिपार्टमेंट को अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिखूँगा तो WD, आप सिंपल W भी लिख सकते हैं। ऑक्यूपाइज के लिए मैं क्या लिखूँगा, इक्वल। टाइम्स के लिए कितना टाइम था, 3.5। और शिपिंग डिपार्टमेंट में क्या लिखूँगा, SD, आप सिंपल S भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये तो हमारे पास आ गया पैरेलल रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन में हमें क्या कहता है कि वीपिंग डिपार्टमेंट ऑक्यूपाई स्पेस, उसने स्पेस का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, उसने सिंपल जगह बताया कि कितनी वो जगह घेरता है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, स्पेस। अब वीपिंग डिपार्टमेंट के लिए मैंने क्या लगा दिया, WD। ऑक्यूपाइज के लिए मैंने क्या लगा दिया, इक्वल। स्पेस के लिए जितनी वैल्यूज थी हमने वो लिख दी, 4,200 स्क्वेयर फीट।
अब जब हमारे पास ये चीज़ हमें बनानी आ जाए तो उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को या दोनों जो पार्ट्स हैं इनको क्या कर लेना, कंबाइन कर लेना, कंबाइनिंग वन एंड टू। अब जब याद रखिएगा, जब हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं उसकी दो एक ही कंडीशन है कि जब हम दो इक्वेशन को कंबाइन, जब एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, तो उसमें दोनों तरफ से एक साइड का बराबर होना, या तो लेफ्ट से बराबर हो चाहे वो राइट से बराबर हो, दो चीज़ों का बराबर होना, एक इधर से एक इस तरफ से, एक ऊपर वाली इक्वेशन में एक नीचे वाली इक्वेशन में, एक एक साइड का बराबर होना ज़रूरी है, चाहे वो लेफ्ट से हो जाए चाहे वो राइट से हो जाए। जैसे कि अब यहाँ पे व्हीपिंग डिपार्टमेंट और इधर व्हीपिंग डिपार्टमेंट दोनों में सेम है, तो व्हीपिंग डिपार्टमेंट की जो ये वैल्यू हम इसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को उठा के इस वाली वैल्यू में इस्तेमाल कर दिया। तो अब हमारे पास 3.5 इसकी, अब ये क्योंकि SD था, क्योंकि ये शिपिंग डिपार्टमेंट था, मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ इक्वल टू 4,200 स्क्वेयर फीट, जो हमारे पे मैंने थे। यूनिट नहीं लगाना जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाता, यूनिट हमेशा हम आंसर पे लगाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे लाके क्या कर दिया, डिवाइड। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1,200। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शिपिंग डिपार्टमेंट की स्पेस इन स्क्वेयर फीट्स। अब एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन की तरफ, आपने क्वेश्चन खुद पढ़ लेना, मैं आपको इसके सोल्यूशन को दोबारा बता देता हूँ कि कहता है कि जो व्हीपिंग डिपार्टमेंट है वो जगह घेरता है कितने टाइम, 3.5 ऑफ शिपिंग डिपार्टमेंट के। तो पहला रिलेशन हमने बना दिया कि व्हीपिंग डिपार्टमेंट इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई SD। जब टाइम्स आता है तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है, या जहाँ पे हमारे पास वो कह रहा हो कि ट्वाइस हो जाए, थ्राइस हो जाए, ऐसे वर्ड इस्तेमाल, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि किसके ये जो व्हीपिंग डिपार्टमेंट है किसके इतने टाइम्स ज़्यादा है, शिपिंग डिपार्टमेंट, इसलिए मैंने तो शिपिंग डिपार्टमेंट से मल्टीप्लाई किया। और वे अब जो सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि व्हीपिंग डिपार्टमेंट ऑक्योपाई स्पेस, कितनी स्पेस घेर रहा है या कितनी स्पेस रखता है, 4,200 स्क्वेयर फीट। अब हमारे पास दो रिलेशंस में दो चीज़ें, यानी कि दोनों दो रिलेशंस में एक एक साइड बराबर आ गई। जब एक एक साइड बराबर आ जाए तो जो पहले रिलेशन में वैल्यू है उसकी उस जगह पे हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनती है। इसको हमने क्या करना, क्योंकि हमने तो निकालना है व्हीपिंग्स डिपार्टमेंट की, हमने स्पेस निकालनी है, तो ये हमारे पास 3.5 यहाँ पे फजूल पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और ये रूल है कि जब इक्वल के साइड पे इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब मल्टीप्लाई था आके डिवाइड हुआ, कैंसिलेशन की, तो हमारे पास क्या आ गया, 1,200 स्क्वेयर फीट। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व। मैं इस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉमर्स में आपने ज़रूर बताना, ताकि मैं बर वक्त आपको इनके आंसर दे सकूँ। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़।